केजीएफ मतलब फोर्स की यूनिट सर दी थी। अच्छा फोर्स की यूनिट, मेरे को लगा कि आपको बोला गया कि ये दोनों चार्जेस में केजीएफ, वो केजीएफ मूवी का कुछ है। नहीं ये नहीं मैं बताया था, वन वन केजीएफ इज इक्वल टू आपके पास 9.8 न्यूटन, ठीक है लड़के। और अप्रोक्सीमेटली दिस कैन आल्सो बी रिटन एज इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो आप इसके बराबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 60 kgf है तो 60 × 100 तो 600 न्यूटन हो जाएगी। अगर मान लो कि 10 kgf है तो 10 × 10 तो 100 न्यूटन की फोर्स हो जाएगी, ठीक लड़के। अब दिक्कत कोई इसके नो सर नो। चलो अब किसी बच्चे का डाउट, भाई देखो डाउट्स बहुत जरूरी है, सबसे पहला काम। आगे हम तभी चलेंगे जब हमारे पास कोई बच्चा बोले कि सर नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आगे चलो। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक निकालना सीख लिया, या जो आपकी डेरिवेशन है ना बेटा, वो डेरिवेशन होती रही, वो डेरिवेशन का कोई पंगा नहीं। पंगा बच्चा हमारे पास डेरिवेशन का कभी होता ही नहीं है, डेरिवेशन तो आ ही जाएगी, आज नहीं तो 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद नहीं तो 20 दिन के बाद, जब आपका दिल करेगा स्कूल में पेपर होगा, एक रात बैठोगे तुम्हारी सर जी सॉरी डेरिवेशन मुझे क्लियर। और ऐसे सर डेरिवेशन में बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये नहीं है बच्चे की डेरिवेशन कैसे करनी है, उसको लिखना कैसे। हमारे पास कल हमने सुपर पोजिशन थ्योरम तक हमने यहां पर कर लिया था, और सुपर पोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, सुपर पोजिशन थ्योरम दो चीजों पे याद रखना बच्चे, आपके पास पोटेंशियल, एक आपके पास एलजेब्रा, एक तो बच्चा हमारे पास एलजेब्रा, और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या बोला साइन सेंसिटिव, और दूसरा बच्चा हमारे पास साइन सेंसिटिव। ये दो चीजों पे अगर आपका ध्यान है तो मैं पोटेंशियल कहीं का कहीं पर निकाल कर बता सकता हूं, मैं कोई भी क्वेश्चन उठा सकता हूं। सपोज मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि वी हैव अ स्क्वायर, वी हैव अ स्क्वायर, मेरे पास यहां पर एक स्क्वायर है ऑफ दिस साइड, जिसकी साइड अंडर रूट 2 मीटर के आसपास है, जिसकी साइड अंडर रूट 2 मीटर के आसपास है, एंड वी हैव प्लेस्ड, और मैंने यहां पर प्लेस कर दी, एंड वी हैव प्लेस्ड, और मैंने यहां पर प्लेस कर दी है, एंड वी हैव प्लेस्ड द क्यू चार्जेस ऑन ईच कॉर्नर, क्यू चार्जेस ऑन ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पे मैंने क्यू चार्ज को यहां पर प्लेस कर दिया। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कहां पर निकालना है, एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ द, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर प्लेट, इस स्क्वायर फ्रेम के सेंटर के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो मेरे पास यहां पर एक स्क्वायर फ्रेम आ गया, इस स्क्वायर फ्रेम के साइड मेरे पास कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2 के बराबर है, और मेरे पास इसके हर कॉर्नर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मेरे पास हर पे चार्ज कौन सा है, प्लस ऑफ क्यू, प्लस ऑफ क्यू, प्लस ऑफ क्यू, और लास्ट मेरे पास यहां पर भी कौन सा है बच्चे, प्लस ऑफ क्यू। मुझे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, साइड रूट 2 मीटर, रूट 2 मीटर, रूट 2 मीटर, रूट 2 मीटर, तो इस ओ पॉइंट का, इस ओ पॉइंट का मेरे पास कॉर्नर से कितना डिस्टेंस होगा, इस ओ पॉइंट का कॉर्नर से क्या डिस्टेंस होगा, ओ पॉइंट का कॉर्नर से, ओ पॉइंट का कॉर्नर से क्या डिस्टेंस होगा। है तुम्हारे में बच्चे कोई बाहुबली इसका आंसर निकालने के लिए, वन, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 मीटर, मेरे पास हर कॉर्नर का यहां तक 1 मीटर। अब के बच्चे सोच रहे हैं कैसे, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, तो आपके पास ये वाली डायगोनल 2 मीटर आ जाएगी, और बच्चे इसका आधा 1 मीटर। अब पोटेंशियल की कितनी टर्म्स बनेंगी, 4 टर्म्स बनेंगी, बताओ कौन कौन सी, ये मेरे पास 4 टर्म्स बनेंगी, चारों का चार्ज क्यू है, और चारों का डिस्टेंस, चारों का डिस्टेंस, चारों का डिस्टेंस क्या है बच्चे हमारे पास, बताओ यहां पर सेंटर से कितनी दूर है, 1। तो v इज इक्वल टू 4 × 1 / 4 πε0 × q,
फोर से फोर कैंसल, तो पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन। सो मेरे पास यहां पर पोटेंशियल क्या आ गया, q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। जी किसी बच्चे का कोई डाउट तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, किसी बच्चे का कोई डाउट वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। शाबाश, है किसी बच्चे का डाउट इसमें, शाबाश, है किसी बच्चे का डाउट। चलो सो फिर चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ और करते हैं बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, मैं जो आपको यहां पर फिगर दे रहा हूं बच्चे, कैलकुलेट, आप कैलकुलेट करके बताएं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना बच्चे, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट आपके पास कैपिटल, और मुझे ई पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। मेरे पास अगेन ये आपके पास स्क्वायर एक फ्रेम आ गया, ए बी सी डी इसके चार साइड्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पर ए, ये बी, ये मेरे पास सी, और ये मेरे पास आ गया डी, और ई पॉइंट आपके पास आ गया इसका मिड पॉइंट। ई पॉइंट आपके पास क्या आ गया, मिड पॉइंट। हमारे पास इस क्यू, इस स्क्वायर की साइड एल टू एल मीटर है, तो इसकी साइड मेरे पास यहाँ पर 12 मीटर है। मेरे पास यहाँ पर चार्जेस कौन कौन से, माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ये मेरे पास प्लस ऑफ क्यू, और ये भी मेरे पास प्लस ऑफ। मेरे पास यहां से लेके यहां तक का चार्ज कितने के बराबर है, तो आंसर है आपके पास एल के बराबर। यहां से लेके यहां तक का चार्ज कितने के बराबर है, तो आंसर है एल, ये भी L, ये भी L, E पे पोटेंशियल निकालना। अब E पे टोटल कितने चार्जेस का पोटेंशियल निकलेगा, शाबाश बता दो बच्चे। तो E पे मेरे पास चार चार्जेस का पोटेंशियल निकलेगा, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। पॉजिटिव का पोटेंशियल निकालना तो बड़ा इजी है, कैसे, K डिवाइडेड K इंटू Q डिवाइड बाई L प्लस K इंटू Q डिवाइड बाई L। अब एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज से ए पॉइंट तक का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, नेगेटिव चार्ज से ए पॉइंट तक का पोटेंशियल कैसे निकालोगे बताओ। ये ड्यूएल है, ये एल है, तो ये अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, फाइव है। ये अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, फाइव, तो माइनस के क्यू बाई अंडर रूट फाइव एल माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ फाइव एल। जल्दी बता दो कि बाहर कॉमन क्या आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर बाहर कॉमन क्या चीज आ जाएगी, तो मेरे पास 2k और q बाई एल कॉमन आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर 1 माइनस ऑफ आपके पास कितना आ जाएगा बोलो बच्चे, 1 माइनस ऑफ 1 बाई रूट फाइव, ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। कितने वोल्ट का पोटेंशियल है एट द पॉइंट ए ड्यू टू कलेक्शन ऑफ दीज चार्ज, जी बोलो बच्चे, क्लियर है वाली चीज बच्चे आपको, शाबाश बताओ, क्लियर है वाली चीज बच्चे आपको, हाँ या ना बेटा, यस सर, यस बच्चे, कोई दिक्कत स्तुति इसके अंदर से, मुदित, मुस्कान, राघव, बेटा कोई टेंशन इसके अंदर से किसी किस्म की, बोलो बच्चे, पोटेंशियल ही तो निकाल रहे हैं, कोई मुश्किल चीज तो कर ही नहीं रहे और सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं बच्चे, जी कोई बच्चा, जी शाबाश, है किसी बच्चे को कोई टेंशन इसके अंदर से। चलो अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ और अब हम यहां पर पढ़ते हैं इनफाइनाइट चार्जेस, यानी कि मैं यहां पर आपको पढ़वाता हूं इनफाइनाइट चार्जेस की प्रॉब्लम। तो मेरे पास यहां पर इनफाइनाइट चार्जेस प्रेजेंट है, देखना बच्चे ध्यान से समझना, वी हैव यहां पर मेरे पास क्या है बच्चे, वी हैव इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस, वी हैव इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्जेस of value q each, q each placed on x axis, placed on the x axis at x is equal to 1, 2, 4, 8, 16 and so up to aapke paas infinity, calculate पोटेंशियल एट द ओरिजिन, कैलकुलेट पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू कलेक्शन
ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस, कलेक्शन ऑफ द इनफाइनाइट चार्जेस, कलेक्शन ऑफ द इनफाइनाइट चार्जेस, यानी कि इन इनफाइनाइट चार्जेस की वजह से हम यहां पर क्या निकालना चाहते हैं बच्चे, आपके पास यहां पर हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। जरा स्टार्ट करते बच्चे, तो हम इनफाइनाइट चार्जेस की वजह से यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये बच्चा हमारे पास आ गया वाई एक्सिस और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया एक्स एक्सिस, और मेरे पास यहां पर ओरिजिन आ गया आपके पास ओ, मेरे पास यहां पर x इज इक्वल टू 1, यह आपके पास आ गया q, आपके पास x इज इक्वल टू 2, चार्ज आ गया q, मेरे पास x इज इक्वल टू 4, चार्ज आ गया q, फिर मेरे पास x इज इक्वल टू 8, चार्ज आ गया q, और ऐसे मेरे पास यहां पर कितने चार्जेस हैं इनफाइनाइट, ऐसे मेरे पास यहां पर कितने चार्जेस हैं इनफाइनाइट, और इन सभी चार्जेस की वजह से, इन सभी चार्जेस की वजह से मैं ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, निकल जाएगा, जरा चेक करें, तो इनफाइनाइट चार्जेस, तो पहली आपके पास टर्म क्या आएगी के क्यू डिवाइडेड बाई 1, दूसरी टर्म बच्चे हमारे पास प्लस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाई 2, तीसरी टर्म क्या आ जाएगी बताओ के क्यू डिवाइडेड बाई 4, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई 8 एंड सो ऑन, और मेरे पास यहां पर अब कितनी टर्म्स है बच्चे आपके पास बताओ, शाबाश, इनफाइनाइट, मेरे पास यहां पर इनफाइनाइट बच्चे आपके पास टर्म्स है, अब बताओ इसमें से कॉमन मेरे पास क्या आ जाएगा k इंटू क्यू, पहली टर्म 1, दूसरी हाफ, तीसरी 1/4, नेक्स्ट मेरे पास 1/8, और ऐसी मेरे पास कितनी टर्म्स है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। अब बताओ कि ये जो मेरे पास यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इन सबका सम मेरे पास कैसे आएगा, इन सबका सम बच्चा हमारे पास जीपी में आएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा k इंटू क्यू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, मेरे पास k की वैल्यू किसके बराबर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q इनटू 1 डिवाइडेड बाय यहां पर हाफ आ जाएगा, ये कैंसिल होके 2, तो इन इनफाइनाइट चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन, तो q डिवाइडेड बाय मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई एप्सिलॉन जी। किसी बच्चे को दिक्कत इसमें से, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे ने कोई चीज दोबारा से पूछनी हो वो बच्चा दोबारा से यहाँ पर पूछ सकता है, शाबाश, बोलो बच्चे, क्लियर है ये वाली चीज बच्चे, इनफाइनाइट चार्जेस वजह से हम ओरिजिन पे पोटेंशियल निकाल पा रहे, क्लियर है बेटा ये वाली चीज, हाँ जी, हाँ बोल बेटा बोल, शाबाश सर, हमने कॉमन रेशियो से माइनस किया ना, हाँ जी बेटा बोल बच्चे, सर कॉमन रेशियो से माइनस किया ना 1 माइनस जो, हाँ 1 माइनस कॉमन रेशियो बच्चे, हमारे पास इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या आता है लड़की, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये मैंने उसको यूज किया, ठीक है बच्चे जी, स्तुति बोलो बच्चे, सर अगर x 4 की जगह x 3 होता तो फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन नहीं ना लगना था, नहीं बनता बच्चे हमारे पास, वो भी क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पहले बताइए समझ में आ गया, यस सर, ठीक है, फिर उसके अंदर एपी लगेगा या कुछ और लगेगा वो एक अलग बात है, ये समझ में आ गया बच्चे आपको, हाँ या ना, यस सर, सर आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवाया था ना, उसके अंदर 3 गिवन था, वो बच्चे यूलर सीरीज के ऊपर था, और जो यूलर सीरीज का कॉन्सेप्ट है बच्चे वो थोड़ा डिफरेंट है आपके पास, ठीक है लड़के, यस सर, अच्छा अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्तुति, जो क्वेश्चन सिर्फ आप ही को आए, यानी कि ये क्वेश्चन अगर आप अपने किसी दोस्त को दोगे, अगर तो उस दोस्त ने ये क्वेश्चन कर रखा हो चाहे जितने मर्जी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, लेकिन अगर उस बच्चे ने ये क्वेश्चन पहले किया होगा तो आंसर दे पाएगा, अगर नहीं कर रखा होगा कभी आंसर नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है कि वी हैव
इनफाइनाइट, मेरे पास यहां पर इनफाइनाइट चार्जेस, वी हैव इनफाइनाइट चार्जेस ऑफ ऑल्टरनेट पोलैरिटी, ऑफ द ऑल्टरनेट पोलैरिटी, ऑल्टरनेट पोलैरिटी, ऑल्टरनेट पोलैरिटी प्लेस्ड, इनको प्लेस किया गया बच्चे कैसे, कि मेरे पास प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू वन पे, आपके पास माइनस ऑफ क्यू, आपके एक्स इज इक्वल टू टू पे, आपके पास प्लस ऑफ क्यू, आपके लिए एक्स इज इक्वल टू थ्री पे, फिर माइनस ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू फोर पे, एंड सो ऑन। ऐसे मेरे पास यहां पर कितने चार्जेस है बच्चे आपके पास, तो आंसर है इनफाइनाइट चार्जेस मेरे ऐसे यहां पर इनफाइनाइट चार्जेस हैं। नाउ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन। जी बोलो राघव। सर इवन में सर, मतलब सर है बेटा सर इवन में सर, मतलब सर अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव भी होगा ही होगा। बिल्कुल अल्टरनेट है ना बच्चे, तो फिर तो जीरो होगा सर आंसर। हां बेटा इस तरह से जीरो होगा सर। नहीं कैसे जीरो, तेरे को क्या पता इंफिनिटी पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसके पेयर भी बन पाएंगे कि नहीं पेयर बन पाएंगे। हां या ना बिल्कुल सर, पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा सर। ये एक्चुअल में पॉइंट ये है ना, अगर तू ऐसे इतना कंफर्म आंसर दे रहा है तो इसका मतलब यू आर द मैन हु न्यू द इंफिनिटी, यानी कि आप ऐसे पर्सन हो जो इंफिनिटी को जानते हो, पर इन्फिनिटी को तो हम में से कोई भी नहीं जान पाया। तो मेरे पास यहाँ पर ये वाई एक्सेस है बेटा, ये आपके पास वाई एक्सेस है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये ओरिजिन है और चार्जेस हैं प्लस ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू वन पे, माइनस ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू टू पे, आपके पास प्लस ऑफ क्यू x is equal to 3 पे, minus of q x is equal to 4 पे, and so on। ये हमारे पास infinity है, and so on ये हमारे पास infinity है, और मुझे origin पे, आपके origin के ऊपर क्या बताना है, इनका potential बताना है। कैसे पता लगे, इसका potential मेरे पास क्या आ जाएगा, k into q, पहला मेरे पास आ गया वन, माइनस के क्यू अपॉन टू, फिर प्लस ऑफ के क्यू अपॉन थ्री, फिर माइनस ऑफ के क्यू अपॉन फोर, एंड सो ऑन। और ऐसे मेरे पास यहां पर कितनी टर्म्स है बच्चे, इनफाइनाइट। इसमें से कॉमन क्या चीज निकल जाएगी बताओ बच्चे, इसमें से कॉमन मेरे पास आ जाएगा के क्यू एंड वन माइनस हाफ प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, और मेरे पास यहां पर ये टर्म बच्चे आपके पास कहां तक जा रही है, आपके पास इनफिनिटी तक जा रही है, मेरे पास ये टर्म इनफिनिटी तक जा रही है। और मुझे अब इन चार्जेस की वजह से क्या बताना बच्चे, आपके ओरिजिन के ऊपर, आपने ओरिजिन के ऊपर किसको बताना बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बताना। जी किसी बच्चे के पास आइडिया है कि कैसे ऐड करेंगे इन इनफाइनाइट टर्म्स को, बोलो किसी बच्चे के पास है आइडिया। बनाएंगे सर हम सर, एक दो एपी बनाएंगे सर। कैसे बनाएंगे एपी लड़के, पॉजिटिव का एक नेगेटिव का सर। पॉजिटिव का एपी कैसे बन जाएगा लड़के, पॉजिटिव का एपी कैसे, और अगर पॉजिटिव का एपी बन भी गया लास्ट टर्म क्या लेगा, और अगर नेगेटिव का तो लास्ट टर्म क्या लेगा दोनों को बता मुझे। सर ये नहीं पता सर, है ना लास्ट टर्म तो तेरे को पता ही नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं है ना। मैं बताता हूँ हमारे पास यहाँ पर, अब ध्यान से समझना जो चीज आपके मैथ्स वाले सर ने शायद बताई हो, शायद देखो मैं शायद वर्ड हो सकता है बताई हो, और मैथ्स वाले सर ने बताई होगी तो बता देना, नहीं बता दी होगी तो भी बता देना। क्या आपके मैथ्स वाले सर ने कभी इस सीरीज के बारे में बताया बच्चे आपको राघव, लॉग टू द बेस ऑफ ई वन प्लस एक्स, राघव बताया कभी कि नहीं, यस और नो बोलना। सर अभी तक नहीं पढ़ाया सर, अभी तक नहीं बताया, कोई बात नहीं जाके बोलना। कौन है, सीएम चौहान सर है तुम्हारे? यस सर। कोई बात, कोई बात, तो लॉग टू द बेस ऑफ ई वन प्लस एक्स, तो नहीं बताया तो जाकर देख लेना। और एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड प्लस ऑफ एक्स क्यूब बाई थ्री, और राजे ये जाकर जो है ना
चंडीगढ़ के किसी भी बच्चे अपने दोस्त से किसी पूछना किसी कोचिंग में, ठीक है, जो तेरा दोस्त पढ़ता उसको पूछना कि उसने ये सीरीज पढ़ी हुई है फिजिक्स में कि नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, और तेरे को उस दिन कॉन्फिडेंस आएगा, बोलेगा ले कोई बात नहीं मैंने तो पढ़ी हुई है। चंडीगढ़ में किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो कहीं इधर उधर पढ़ता हो, ठीक है। कहाँ कहाँ पढ़ते हैं आपके दोस्त, किस किस इंडिविजुअल के पास पढ़ते हैं? सर सर आजकल तो सर मतलब मैक्सिमम सर ट्यूशन ही प्रेफर करते हैं सर। हाँ सर मैक्सिमम लोग सर ट्यूशन प्रेफर करते हैं सर आजकल। नहीं नहीं मैं वो बोल रहा हूँ कि हाँ ट्यूशन किसके पास जा रहे हैं, लोकल किसके पास जा रहे हैं? सर सारे सर अलग अलग है सर, कुछ सर ऑनलाइन पढ़ते हैं सर फिजिक्स वाला सर वेदांतु। हाँ सर सम सर बच्चे है, बाकी सब के सर कुछ पर्सनल ट्यूटर्स है सर किसी के। हाँ नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ क्या बोल, मैं वही पूछ रहा हूँ कि चंडीगढ़ में कौन है केपी के पास जाता है कोई? सर केपी सर मैं नाम सुना है कभी नहीं, सर कौन जाता है सर, कोई जाता है सर? आपके 15 सेक्टर में तो है केपी? सर के सर 15 सेक्टर में सर नहीं है सर ऐसे कोई। 15 सेक्टर में है पोस्ट ऑफिस के पास, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के पास सर सीएम सर कई वहां पे सर वहां पर भी है, पर वहां पर भी केपी का भी है, उनका भी है बच्चा हमारे पास, है ना। तो वहां पर कोई पूनिया, आपका दोस्त कोई पूनिया के पास जाता है? सर कौन सेक्टर सर? योगेश सिंगला के पास जाता है कोई? तेरे को नहीं याद इतना सेक्टर? नहीं सर ऐसे मतलब ऐसे नाम नहीं पता सर परसेंट इसके तुझे पता ही नहीं इससे ज्यादा तो मुझे पता है यार हद है। चल कोई बात नहीं, तो हमारे पास सर केपी सर। हां सर 15 में नहीं है सर कोई केपी सर? चल कोई बात नहीं, तो हमारे पास यहां पर log to the base of a 1 plus x ये सीरीज होती है। अगर आप इस सीरीज को इससे रिलेट करें तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इस वजह से आपका पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा? k q यहां पर ब्रैकेट एंड log to the base of e, 1 plus x का मतलब 1 plus 1, और आपके पास log to the base of e of क्या हो जाएगा? 2। तो आपका पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा? q divided by 4 pi epsilon naught log to the base of e of 2, और इतने वोल्ट का आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल। हमारे पास इतने वोल्ट का आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो। बोल क्लियर है ये वाली चीज? अब आया ना, ये स्पेशल सीरीज है और ये आपके पास स्पेशल क्वेश्चन है, याद रखना दिस इज अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कोई कोई बच्चा, अब आज के बाद आपको ये क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पता करना क्या, और जिस बच्चे को नहीं पता तो फिर वो बच्चा घूमता रहता है, वो बच्चा परेशान होता रहता है कि यार क्वेश्चन करूं कैसे, क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है कि क्वेश्चन करना कैसे। अब मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आप इसके ऊपर बाकी का काम कर सकते जी। अब किसी बच्चे का इसमें से कोई डाउट? शाबाश जी, किसी बच्चे का इसमें से डाउट बच्चे बोलो शाबाश। क्लियर है सर? इस सीरीज का कोई नाम है? लॉग की सीरीज, इसको बच्चे लॉगरिथमिक सीरीज बोलते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द लॉगरिथमिक सीरीज, ये बच्चा हमारे पास लॉगरिथमिक सीरीज होती है, ठीक बेटा, तो इसको लॉग सीरीज या लॉगरिथमिक सीरीज बोल देते हैं। ये सीरीज के बच्चे हमारे पास फ्रेमवर्क है, किस फ्रेम से ये चलेगा, ठीक है बेटा? यस सर। चलो तो हमने धीरे धीरे करके बच्चे अपने आप को इस लायक बना रहे हैं कि अगर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है तो उन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पर जो चार्जेस हैं उनकी वजह से पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये कैसे? मैं समझाता हूँ बच्चे। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे आपके पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन के साथ, फिर मैं आपको टोन डाउन करूंगा, मैं सीधा स्कूल के क्वेश्चन पे नहीं लेके जाऊंगा। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि वी हैव चार्जेस, मेरे पास यहाँ पर चार्जेस, वी हैव द चार्जेस, चार्जेस ऑफ द वैल्यू, जिसके वैल्यू है बच्चा हमारे पास q एंड माइनस टू टू, लोकेटेड लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट या फिर बच्चे फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, फाइंड द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स
all the points where potential due to these two charges is zero, where the potential due to these two charges, इन दोनों charges की वजह से आपके पास क्या हो जाएगी, is zero. ये बच्चा हमारे पास यहां पर zero के बराबर आ जाए. जरा check करो, मैं समझाता. तो मेरे पास यहां पर क्या सिचुएशन है, फोकस करना. मेरे पास यहां पर सिचुएशन यह है कि दो चार्जेस हैं. सो मेरे पास यहां पर दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, एक मेरे पास क्यू है और दूसरा मेरे पास यहां पर माइनस ऑफ टू क्यू. और मैं चाहता हूं कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर के आसपास है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, कोई ऐसा पॉइंट होगा रैंडम सा बच्चा हमारे पास जहां पर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल जीरो हो सकता है बच्चे. तो हमारे पास मान लो कि ये पॉइंट आपके पास क्यू चार्ज से आर वन डिस्टेंस पे और क्यू टू चार्ज से आर टू डिस्टेंस पे. तो ये बच्चे हमारे पास आर वन और ये आर टू, यहां से हम एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ को ड्रॉ कर देते और ये बच्चा हमारे पास आ गया x, ये मेरे पास x और ये मेरे पास y और ये मेरे पास क्या आ गया 6 माइनस 6. हम करना क्या चाह रहे हैं, हम वो कर्व देखना चाह रहे हैं जहां पर इन दोनों की वजह से आपका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो. लोकस, लोकस का मतलब होता है कलेक्शन, कि वो पॉइंट्स मिलकर बना क्या रहे. जैसे कि अगर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे करके आपस में जुड़ जाते हैं तो बताओ ये पॉइंट्स क्या बना रहे, बताओ ये पॉइंट्स क्या बना रहे हैं बच्चे हमारे पास, स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो इसकी एक इक्वेशन होती है, पता है क्या इक्वेशन होती है, आप बोलते हो कि इसकी इक्वेशन होती है ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास यहाँ पर वाई है और मेरे पास आपके लिए वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्स टेंजेंट पर. मेरी बात को समझ पा रहे हो, आइए ना बच्चे. अगर मेरे पास किसी पॉइंट्स की कलेक्शन ऐसे आ रही है, ये देखो किसी पॉइंट की जो कलेक्शन है वो आपके पास ऐसे करके आ रही है, इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ गया, यानी कि ये पॉइंट्स मिलकर क्या बना रहे, पैराबोला. यहाँ पर y और x के बीच में क्या रिलेशन होता है, कोई बच्चा बता सकता है, तो आप बोलते हैं y इज इक्वल टू 4a इनटू x का स्क्वायर. y और x के रिलेशन से हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो मैं उन पॉइंट्स की लोकेशन जानना चाहता हूँ जहां पर जीरो पोटेंशियल है, तो मैं x और y के बीच में रिलेशन निकालूंगा. अब देखिए क्योंकि p पॉइंट जीरो पोटेंशियल का पॉइंट है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा k q अपॉन r1 माइनस k इंटू k इंटू 2q, क्योंकि ये नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन निकल कर आती है क्योंकि यहां पर पोटेंशियल जीरो है. एज पर क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास इन दोनों का पोटेंशियल पी पे जीरो हो जाना चाहिए. सॉल्व करेंगे तो मेरे पास बताओ क्या चीज आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगा क्यू अपॉन आर वन इज इक्वल टू टू क्यू अपॉन आर टू, या फिर मेरे पास यहाँ पर आर टू इज इक्वल टू किसके बराबर है, टू आर वन. ये हमारे पास कितने के बराबर आ गया, टू आर. नेक्स्ट वन, आर टू की वैल्यू किसके बराबर है, आपके पास आर टू की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर 6 माइनस एक्स का स्क्वायर. आर वन की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर. अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूं तो आर टू की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर वन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर. दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर कर देंगे 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर. अब ये आपने देखना ये किसकी इक्वेशन बनेगी, 36 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 4y स्क्वायर. चीजों को रीअरेंज करेंगे यानी कि वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाए
12x यहाँ पर आ जाए और 36 भी यहाँ पर आ जाए, मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 4x² - x² + 12x - 36 = 0। ये हमारे पास आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या चीज आ जाएगी बताओ, मेरे पास आ गया 3x² + 3y² + 12x - 36 = 0। इसको 3 से डिवाइड कर दो, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, x² + y² + 4x - आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करने के पे 12 = 0। किसी को पता है ये किसकी इक्वेशन, शाबाश, ये किस कर्व की इक्वेशन है, किसी बच्चे को पता है, यस और नो, किसी बच्चे को पता है ये किस कर्व की इक्वेशन है जी, यस और नो, मैं बताऊं, आपके पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy, याद आ रहा है किसी बच्चे को, याद आ रहा है किसी बच्चे को, याद आ रहा है बच्चा हमारे पास किसी बच्चे को, यस और नो, यस और नो, क्लियर है ये वाली चीज बच्चा हमारे पास, हाँ या ना, क्लियर है, यस और नो, यस सर। तो ये बच्चा हमारे पास किसकी इक्वेशन बन गई बच्चा, आपके पास सर्कल की इक्वेशन बन गई, यानी कि दो चार्जेस की वजह से जो जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा वो सर्कल पे लाई करेगा, ये हमारे पास सर्कल पे लाई, ये सारे पॉइंट्स बच्चा हमारे पास किस पे लाई करेंगे, बहुत बड़े सर्कल पे, ये वाले, ये सारे जितने पॉइंट सर्कल पे आ रहे हैं ये जीरो पोटेंशियल के पॉइंट्स है, ये सब जीरो पोटेंशियल के पॉइंट्स है, तो दो चार्जेस की वजह से जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं, सर्कल पे, ये तो बात हुई बहुत बड़ी, लेकिन हमारे पास सीबीएसई के अंदर सिर्फ दो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ये तो हुई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बच्चे, लेकिन अच्छी बात क्या है बच्चा हमारे पास, लेकिन गुड पार्ट बच्चा हमारे पास ये है, आपके पास गुड पार्ट ये है बच्चे, ओनली 2 points आर ऑलवेज asked, सिर्फ 2 points के बारे में कहा जाता है, ओनली द 2 points आर ऑलवेज asked, हमारे पास हमेशा 2 points के बारे में कहा जाता है, 2 से आगे हम जाते नहीं, तो मेरे पास अगर यहाँ पर 2 charges है, एक चार्ज जो कि पॉजिटिव का और एक चार्ज मेरे पास नेगेटिव का, तो जीरो पोटेंशियल का एक पॉइंट अंदर होगा N1 और एक चार्ज बच्चे एक पॉइंट बाहर की तरफ होगा, और ये बच्चे एंड, यहां पर भी पोटेंशियल जीरो है और यहां पर भी पोटेंशियल जीरो है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी बच्चे, और वो ये बच्चा गलती कर जाता है, यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज के पास लाई करेंगे, ये आपके पास Q1 के पास तभी लाई कर रहे हैं क्योंकि Q1 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन नेगेटिव Q2 का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं ये छोटे चार्ज के पास लाई करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, नेगेटिव साइन हटाकर पता लगेगा कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है या किसी का छोटा, तो नेगेटिव चार्ज हम इंक्लूड नहीं करते बच्चे। चले बच्चे, सो आज के लिए बच्चे हम इतना करते हैं क्योंकि आगे अगर हम चलेंगे तो हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक, तो इसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई टेंशन हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ओके बच्चे, बाय बाय।